समझ गए। तो इस मेरे बारे में ये बोलते हैं पार्शियलिटी, लेकिन मेरी पार्शियलिटी है ही नहीं, मेरी पार्शियलिटी है परफॉर्मेंस के साथ। जब ऊपर उठ गए तो उसने बोला भी मेरा पैर छोड़। वो कह रहा है भाई मैं तो तेरे चक्कर में उड़ा हूँ, मेरे पास तो कोई अपना उड़ने का आर्ट ही नहीं है। तो वो कह रहा है भाई तू छोड़, मेरे पास भी आर्ट नहीं है। अब जैसे सारे ये MA हैं, ये BA हैं, ये PhD हैं, ये सारे बैठे हैं, उनमें एक आदमी 10th फेल बैठा है, तो वो क्या करेगा? कोई डांस करेगा, कोई ऐसी बात करेगा? पहले मैं शराब की बोतल लेके और बटन खोल के और ऐसी वीडियो डाल दूँ, डालता रहो, सारे बोलेंगे साला गुरुजी होता है, ये देखा गुरुजी बनता था, ये हो गया वो हो गया, और सारे तूने देखा उनको, तूने देखा, ऐसे नेगेटिव फैल जाएगा। ये सब सेल्फी लेते हैं, जो गाली देते हैं सोशल मीडिया पे वो भी शायद इन पर्सन आके सेल्फी लेते हैं, इसमें एक बड़ा क्रिटिसाइज हो जाएगा। मुझे देखने वाले पे भी मैं आज बोलना चाहता हूं, वैसे ही है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि यार गो फॉर द राइट कॉज। अब लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया कि ड्रग्स ठीक नहीं है, है ना, चलो वो कोई बात नहीं। यहाँ पे एग्जांपल भी दे देता हूँ, हेलीकॉप्टर रेंगता नहीं है, जहाज रेंगता है। हाँ। और उसी कंपनी में एक 10th पास या 10th फेल बैठा है, तो वो क्या करेगा? अवेयरनेस को लेके अगर कोई गूगल कर रहा है तो उसमें कंप्लीटली बुराई भी नहीं है। भाई हो, थैंक यू सो मच, दिस इज सो अमेजिंग, थैंक यू। आ रहे ना कैमरे में, दिस इज सो ब्यूटीफुल। वो तो तुम्हारे पूछने में भी बड़ी गर्मी हो रही है, होने वाली है। आई नो दैट। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। मैं हूं निपुण अग्रवाल, आप जानते हैं, और हमारे साथ परम पूज्य गुरुजी ब्रह्मचार्य धूपेंद्र सर हैं। और एक बार हम पहले भी बात कर चुके हैं, काफी साल पहले हमारी बात हुई थी जब हम ओलंपिया जा रहे थे 2017, आपके घर पे बात हुई थी। जी जी, मैं और मुकेश जा रहे थे। बिल्कुल गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे मैं एक तो यही पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि जब हम पिछले 2-3 इवेंट्स में मिले हैं, कुछ टॉपिक्स पे आपने कहा है कि आप बात करना चाहते हैं, और एक उनमें से टॉपिक ये भी है जो मेरे दिमाग में भी है कि यू ऑलरेडी स्पेंट मोर देन 2.5 डेकेड्स इन दिस, राइट? तो जब हम पिछली बार मिले थे, आई थिंक 4-5 ईयर्स अगो, तब आपने मेरे को एक बुक दी थी, आई थिंक वो 20 ईयर्स वाली बुक थी, 2 डेकेड्स वाली थी, तो 25 साल हो गए उस हिसाब से। तो अगर हम उस समय की बात करें और इस समय की बात करें, 30 साल हो गए, तो अगर हम उस समय और इस समय की बात करें, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। टुडे पीपल थ्राइव ऑन क्रिएटिंग कॉन्ट्रोवर्सीज, पीपल थ्राइव एक दूसरे के बारे में बात करके। सबसे बड़ा जो फर्क है उस समय से और इस समय में, आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ा मैं ये बोलूँगा कि जो आपका बिलीव था ना टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टुवर्ड्स योर कोच, अब क्या हो गया है? कोई भी पहले क्या था, मैंने बोल दिया कि भैया लग जाओ और आप पुशअप मारो। आज 500, 400, 300 पुशअप मारने हैं तो मारे। अब क्या है कि आप मेरे कोच हैं, आपने मुझे बोला, मैंने आपको गुरुजी बोला, निपुण जी गुरुजी बताओ, आपने बोला भाई मैं तेरा चार्ट बना रहा हूँ, वो बाहर जाके गूगल पे देखेगा, आपको क्रॉस चेक करेगा, फिर उसके दिमाग में ये आएगा आपके बारे में कि यार ये मेरे गुरुजी ठीक है कि वो ठीक है। एक तो ये वाला चेंज आया, और एक आया कि नेगेटिव पब्लिसिटी। ओके, नेगेटिव। ओके, तो अगर मैं अगर फेमस होऊंगा, मैं जितनी उल्टी वो समरसॉल्ट करूंगा या ऐसी हरकत करूंगा, देखो यहाँ पे एक मैं बात बोलता हूँ, प्लीज, इफ़ यू आर एजुकेटेड, आपने BA MA की डिग्री ली है, आप कंपनी में आराम से बैठेंगे, और उसी कंपनी में एक 10th पास या 10th फेल बैठा है, तो वो क्या करेगा? अब उसको भी तो कंपनी में रहना है, तो वो उल्टी सीधी हरकत करेगा ग्रो करने के लिए, कि मेरी प्रेजेंस रहे, तो अपनी प्रेजेंस के लिए ऐसी हरकत करेगा कि मुझे भी लोग तवज्जो दें। अंडरस्टैंड, ये जो चेंज आया, पहले लोग अगर 10वीं फेल है तो वो सीखने की कोशिश करते थे कि यार ये नॉलेज वाला आदमी है, इसके पास जाओ। आज लोग क्या कहते हैं कि मैं शोर मचाऊंगा तो मैं अट्रैक्शन हो जाऊंगा, ये वाला फर्क आ गया। पहले बॉडी बिल्डर क्या करता था, यहाँ तक बाजू की पहनने के लिए सोचता था,
कि मैं बाजार में जाऊंगा, मेरे गुरुजी को ना पता लग जाए, लोगों को ना पता लग जाए, लोग ये ना सोचे मैं मसल मैन हूँ, मैं एक दिन कंपटीशन में ही अपनी बॉडी दिखाऊंगा, तो उसको क्रेज भी रहता था। आजकल कंपटीशन के बाहर भी उतनी टी शर्ट सैंडो पहन के होते हैं, अंदर भी तो होते हैं, समझिए ना। सही बात है, हाँ ये वाली बात है। लेकिन समय में भी काफी फर्क आ गया। वो जमाना था जब लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल फोन कुछ भी नहीं थे। आजकल तो इतना एक्सपोजर है, तो उस नजरिए से अगर हम देखें तो जो अवेयरनेस बढ़ गई है, और उस अवेयरनेस को लेके अगर कोई गूगल कर रहा है तो उसमें कम्प्लीटली बुराई भी नहीं है। मैं कहता हूँ जरूर करो, गूगल करना कोई बुरी बात नहीं है, वहाँ पे जो आंसर आएंगे ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक गांव में रहने वाले हो और एक गांव के जिम में वर्जिश कर रहे हो, जहाँ के वो शाम को आपको जाके दूध मिलने वाला है और दिन में लस्सी मिलने वाली है और फिर चावल मिल जाएंगे। लेकिन गूगल ये बोल रहा है कि तू कार्ब्स लेने के लिए पहले ये खा, पहले वो खा, ये खा, समझ गए, जो उस परिवेश के लिए ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूँ बॉडी बिल्डिंग इज अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, रिजल्ट उसी में आ सकता है जो मेरे पास फैसिलिटीज है। आज मैं अगर मैं मान लो मैं गांव में रहता हूँ, मैं साइकिल पे ही मेरे पास सोर्स है तो मुझे साइकिल पे ही जाना। अगर मैं हवाई जहाज की सोच रखूँगा तो वो बहुत देर में आने वाला है। ये नहीं कि हवाई जहाज लेना गलत बात है, या फिर मैं चोरी करके आऊँ, दो ही ऑप्शंस है ना आपके पास। तो आपके पास जो इजी ऑप्शन है वो मेरी गांव की है और मेरे गांव का कोच है। हायर एजुकेशन के लिए सब लोग बाहर जाते हैं, उनको जाना भी है, लेकिन पहले प्राइमरी एजुकेशन तो पूरी करनी पड़ेगी कि नहीं, कि नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, आप अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हो, ABC तो सीखनी पड़ेगी, काखागा तो सीखनी पड़ेगी, बेसिक तो नहीं है। बिल्कुल, जिस पौधे की जड़ नहीं है, आप जैसे लॉस वेगस में जाओ, हम गए, वो पूरा शहर ऐसे लगेगा आपको, पेड़ भी वहाँ लगेंगे कि आर्टिफिशियल चिपकाए हुए, वो आपको दूर से ही लग जाएगा कि ये पेड़ की जड़ नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाया हुआ है। सो दैट इज द डिफरेंस, यू नो, दैट इज द डिफरेंस। आई टोटली अंडरस्टैंड। मतलब दौड़ने के लिए पहले तो चलना बहुत रेंगना जो, देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, हेलीकॉप्टर रेंगता है, देखता नहीं है, जहाज रेंगता है, रेंगता है ना, और कितने किलोमीटर जाके फिर टेक ऑफ करता है, करता है ना, क्योंकि वो कई हजार किलोमीटर जाता है, इसलिए वो रेंगा है, रेंगा है तो इसीलिए ऊपर गया। और हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ेगा तो उसकी रेंज है 700-800 किलोमीटर, कोई अच्छा होगा तो 1000 किलोमीटर, वो हजारों किलोमीटर नहीं जा सकता क्योंकि वो रेंगा नहीं है। बहुत बढ़िया, दोनों उड़ान भर रहे हैं, दो उड़ान दोनों भर रहे हैं, हेलीकॉप्टर 4 आदमी लेके उड़ रहा है और वो 400 आदमी लेके उड़ रहा है। जब आप नॉलेज वाले हो जाते हैं और बेस वाले हो जाते हैं तो आप अपने पीछे बहुत सारे शिष्यों के बैग बांध के आगे ले जा सकते हैं, ये वाला फर्क है। सही बात है, बिल्कुल। और इसीलिए इस सवाल पे भी मैं बाद में आऊँगा कि लोग कोचेज अपने बहुत चेंज करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक पे आपने बात की थी कि लोग एक दूसरे के बारे में बात करके कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आगे बढ़ नहीं रहे, बढ़ भी रहे हैं, मतलब उनके हिसाब से सोचे तो आगे बढ़ रहे हैं, अगर आध्यात्मिक तौर पर सोचे तो शायद नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे पर्सनली लगता है ठीक नहीं है, लेकिन शायद जो व्यूअर्स हैं, पब्लिक है, उनको भी मसालेदार खाने की आदत है, अभी उन्हें लगता है ठीक है, वो ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन से एग्री हूँ, और अब लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया कि ड्रग्स ठीक नहीं है, है ना, चलो वो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैंने भी कई चैनलों पे इंटरव्यू दिए हैं जी, बाद में वो कन्वर्ट हो गए बिकॉज उनको ये लगा यार बॉडी बिल्डिंग तो बड़ी टेढ़ी खीर है, बॉडी बिल्डिंग तो एक दो तीन महीने में, चार महीने में बात करके ख़त्म हो गई, पर जो एकदम बीच में एंटर होके और ये सोचे कि मैं फेमस, उनके लिए तो ये सफ़र ही ख़त्म हो गया। अब मान लीजिए मेरी एक रेंज है, जितनी मैं 10वीं तक पढ़ाऊँ, अब आप मुझे उतनी अंग्रेजी या हिंदी बुलवा रहे हो तो मैं हेलो सर, हाय सर कर दूंगा, आपने 5-6 कंटिन्यू क्वेश्चंस मेरे से अंग्रेजी में पूछ लिए तो वहाँ मैं इधर उधर तो झाँकूँगा ना। सही बात है, समझ गए, फिर मैं सोसाइटी में अपनी जगह बचाने के लिए उल्टी सीधी अंग्रेजी भी बोलूँगा क्योंकि मुझे बचानी है ना जगह, अब जगह ही नहीं बच रही तो। लेकिन ये उल्टी सीधी अंग्रेजी तो सामने वाले को नजर आ रही है, दिख रही है, आ रही है, पर मुझे अफसोस है जो देखने वाला है, देखने वाले में भी अफसोस है। अब इसमें बड़ा क्रिटिसाइज हो जाएगा, मुझे देखने वाले पे भी मैं आज बोलना चाहता हूं, वैसे ही है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि यार गो फॉर द राइट कॉज,
नॉट फॉर दी, बिकॉज आप एग्जाम्पल सेट करो, गलत एग्जाम्पल मत सेट करो. देखो पहले मैं शराब की बोतल लेके और बटन खोल के और ऐसी वीडियो डाल दूँ, डालता रहो, सारे बोलेंगे साला गुरुजी उठा, ये देखा गुरुजी बनता था, ये हो गया वो हो गया, और सारे तूने देखा उनको, तूने देखा, ऐसे नेगेटिव फैल जाएगा. बाद में बोलूँ नहीं मेरे से गलती हो गई थी, मैं मेंटली जिस यही तो हो रहा है, हाँ यही तो हो रहा है, बाद में मैं साधु बन जाऊँ, क्योंकि व्यूवर्स तो आ ही गए ना और सब्सक्राइबर भी आ गए, फिर बाद में ये बोलेंगे देख यार शरीफ हो गया. नहीं यही हुआ है. नहीं आप मुझे बताओ, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि बदमाश बनना ठीक था या शरीफ ठीक रहना ठीक था, ये मेरा क्वेश्चन है पब्लिक से. इससे अच्छा तो मैं गलती कर, या आप भी गलत करते या और बताने वाले भी. तो ठीक तो है, मतलब जो आपने एग्जांपल दिया कि शराब की बोतल लेके बदमाशियां करने लग जाओ और नेगेटिव पब्लिसिटी अट्रैक्ट करो. नहीं, मैं करने लग जाऊं ग्रो, हाँ और उससे अट्रैक्ट करो और उसके बाद दो हफ्ते का ब्रेक लो, गायब हो जाओ और फिर आके बोलो यार वो गलती हो गई, उसने भड़का दिया था, इसने वो कर दिया था, आई एम बैक, मैं तो आप ही के लिए हूँ. और वो जो देखने वाले ना, जो पहले गाली भी दे रहे थे सोशल मीडिया पे, गाली दे रहे थे इन पर्सन, तो किसी की कोई हिम्मत ही नहीं होती आके सब सेल्फी लेते हैं, जो गाली देते सोशल मीडिया पे वो भी शायद इन पर्सन आके सेल्फी लेते हैं, तो वो लोग भी फिर शुरू हो गए या हो जाते हैं बोलना कि अरे यू आर डूइंग ग्रेट फॉर दिस इंडस्ट्री. तो इसमें बुराई क्या है, मतलब इट्स एन ईजी वे राइट. आप मेहनत, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप मेहनत करो बहुत लंबे समय, एंड यू कीप स्लॉगिंग एंड यू ग्रो स्लो, जड़ें गहरी हो रही हैं, आई एग्री, बट लगता नहीं कि यह ज़माना है जो जड़ों को बिल्कुल भी तवज्जो देता है. मैं एक प्रोग्राम था पहले, मैंने भी इंटरव्यू दिया ऐसे बिल्कुल बंद हुआ, मैं नकार रही ना, मेरे बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू ले गए हैं, मैं आज भी उनको प्यार बच्चों की तरह करता हूँ जी, लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहता हूँ. उन्होंने बोला कि गुरुजी एक प्रोग्राम है और वो कंपनी मुझे पैसे भी दे रही थी, उन्होंने एक प्रोग्राम किया कि आप आओ गुरुजी. तो कंपनी को मैंने बोला मैं कंपनी का अगर ब्रांड एम्बेसडर हूँ तो कौन कौन लोग आ रहे हैं, ठीक है. उन्होंने बोला गुरुजी आपको ये नहीं पूछना और आपको चलना है. मैंने कहा मैं ऐसा ब्रांड एम्बेसडर आंखें बंद करके जाने वाला नहीं हूँ, अगर आपने ये पोस्टर निकाला है तो क्या मेरे से बोले आपने इंटरव्यू किसी को दिया हुआ है ऐसे लोग. मैंने कहा मैं ये नहीं कहता कि मैं सोसाइटी में ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, हो सकता है मैं कल फिर बैठूं, लेकिन मैं उनसे इस बात पे करने बैठूंगा बॉडी बिल्डिंग का क्या कसूर था, ये क्वेश्चन जरूर करूंगा. और मैं स्टेज शेयर करूं या ना करूं, जब मैंने स्टेज शेयर किया था तो ये सब नहीं चल रहा था. सही बात है, समझ गए, तब मैंने कैमरा के सामने आया था, पर जब अब ये सामने आ रहा है तो इंडस्ट्री में अगर मेरे को गुरुजी बोलते हैं, सीनियर मोस्ट बोलते हैं, तो मेरा मेरे को बॉम्बे से तलवरकर जी का फ़ोन आया जी कि धवन जी आपने, वो एज ए फादर फिगर है मेरे लिए, उस्तादों में हैं. अच्छा, उन्होंने मुझे बोला कि यू आर देयर, मैंने कहा यस आई वॉज देयर, और उस टाइम ये सब नहीं चल रहा था, बात समझ गए, उसके बाद चला है. तो मैं क्या अब मैं वहाँ नहीं हूँ और नहीं जाऊँगा, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, लेकिन बीच में मेरी कंपनी का प्रोग्राम आया तो मैं नहीं गया वहाँ. मैंने कहा मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं ठीक कॉज के लिए हूँ, ना कि मैं इस कॉज में मैं स्टेज शेयर कर लूँगा, बिकॉज ये नहीं कि मैंने इस पहले स्टेज शेयर नहीं किया, लेकिन तब तक ये बातें नहीं चल रही थी. लेकिन अब नहीं करेंगे, अब कोशिश करेंगे कि ना स्टेज. मैंने मैं नहीं गया उस प्रोग्राम में, और मैंने मेरे एक शिष्य थे, मैंने उनको क्वेश्चन भी किया कि मैं आपने कैसे शेयर किया, आपने तो मुझे मना किया था प्रोग्राम में जाने को, हम फरीदाबाद इकट्ठे जा रहे थे. अब इसमें क्रिटिसाइज हो गया मेरे शिष्य का ही. मैंने कहा जब हम जा रहे थे आपने मुझे कनॉट प्लेस पे रोक लिया, मेरे दो शिष्यों ने, कि उस प्रोग्राम में नहीं जाना. मैंने कहा नहीं जाना. और जब उसके बाद आप अकेले चले गए और उस प्रोग्राम में गए, तो मैंने एक दिन उनको बोला, क्योंकि मैं ऐसा फादर नहीं हूँ ना, मैं ऐसा उस्ताद हूँ कि अपने बच्चे को मैं बिगाड़ने के लिए कुछ भी बात करूँ, मैं उससे बात जरूर करता हूँ. मैंने कहा आप कैसे चले गए, आपने कैसे शेयर किया, जवाब मिला, देयर वाज नो आंसर. ओके, बट एक्सेप्टेंस तो हो गई ना. इस बात में ज्यादा नहीं जाऊँ तो ठीक है. एथिक्स एक ऐसा वर्ड है जिसकी वैल्यू
एक बड़े सर्कल में लगता है कि जरूरत उसकी नहीं है, बहुत कम जरूरत है एथिक्स की, एथिकल होने की, बट येट आई थिंक काफी लोग एथिकली होके काम करना चाहते हैं। क्या होता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, उनको एथिक्स ही दिखते हैं कि एक ही रास्ता हमारे को निकाल सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि जरूर आपका मैं धन्यवाद करता हूं सबका, क्योंकि अब सब यूट्यूब चैनल बोलने लगे हैं ड्रग्स नहीं लेना, ठीक है, मैं कह रहा हूं बहुत शुक्रिया आपका, मेरी ब्रांचेज में भी दी गई हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को, मेरी जो ब्रांचेज हैं उनमें भी ड्रग्स दी गई हैं, कईयों को नहीं चला काम तो ठीक है, और कईयों ने 40-30 हज़ार में भी शेड्यूल बना के दे दिए कि मेरी जान तो छुट गई। तो एक ड्रग्स वाले सवाल पे मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि आपने पहले भी मेंशन किया था कि ये ड्रग्स नहीं लेना एक नया ट्रेंड चला है, ये कहाँ से आ रहा है, मतलब आप किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं? शायद उन लोगों का मानना है, देखो ये जितनी भी दवाइयाँ उन लोगों को पता है कि गुरुजी को कुछ नहीं पता, अच्छा ये पुराने आदमी हैं। अच्छा आप मेरी बात सुन लो, विदाउट बेस उड़ना बहुत लंबा नहीं है, शॉर्टकट है। हाँ आज की डेट में बहुत जल्दी लोग फेमस होना चाहते हैं, वो उड़ने दो, नो प्रॉब्लम। रात को आप जुगनू देखते हो ना, वो बहुत लाइट देता है और अच्छा भी लगता है, थोड़ी देर बाद वो बुझ जाता है, फिर आप देखते रहते हो उसको, ढूंढते रहते हो, क्योंकि लाइफ इतनी है, अंडरस्टैंड। फिर थोड़ी देर दूर जाके वो थोड़ा सा जल जाए। अभी क्या है, मैंने क्या बोला, जो जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता है, राइट, और उसके लिए वो क्या करता है, अब जैसे सारे ये एमए हैं, ये बीए हैं, ये पीएचडी हैं, ये सारे बैठे हैं, उनमें एक आदमी टेंथ फेल बैठा है, तो वो क्या करेगा, कोई डांस करेगा, कोई ऐसी बात करेगा। ये बातें आज तो यूट्यूब पे हो रही हैं, ये मेरे शिष्यों ने भी की हैं, जो एजुकेटेड शिष्य नहीं थे उन्होंने ये बातें मेरे सामने की हैं, मेरी फेडरेशन के सामने, कि फेडरेशन में इतनी चमचागिरी करी, इतनी करी, जो बॉडी बिल्डिंग की एक ही फेडरेशन थी, और जाके उनके पैर छूने और धोने, उनको लगा यार गुरुजी के बंदे हमारे पैर छू रहे हैं, तो फेडरेशन वर्क वाला सेक्रेटरी भी उतने ही एजुकेटेड थे, वो भी हवा उड़ने लग गए, वो भी उड़ने लग गए, और जब ऊपर उठ गए तो उसने बोला भाई मेरा पैर छोड़, वो कह रहा है भाई मैं तो तेरे चक्कर में उड़ा हूँ, मेरे पास तो कोई अपना उड़ने का आर्ट ही नहीं है, तो वो कह रहा है भाई तू छोड़, मेरे पास भी आर्ट नहीं है, दोनों ही गिरेंगे, दोनों गिरेंगे, ये बात है। तो मैं एक और चीज़ का आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी दो या तीन चीज़ें हैं, थोड़ा सोच के मुझे बताइए, जो अगर किसी इंसान को हमें परखना है कि ये ट्रस्ट करने लायक है कि नहीं, तो ऐसे इंसान पे तो बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना, तो कैसा इंसान हो जिस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसी दो तीन चीज़ें क्या आपको देखनी चाहिए? पहले तो आओ मैं ये बोलूँगा, मैं इस मामले में तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल फेल है, पीपल जजमेंट से रिलेटेड, हाँ बिल्कुल मैं फेल हूँ, मैं इमोशनल आदमी हूँ और मैं फेल हूँ, मैं इस मामले में मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं फेल हूँ, क्योंकि मैं अगर आपसे ही बात कर रहा हूँ तो इमोशनली हूँ, नहीं तो मैं आपसे, आप मेरे से फैब्रिकेटेड करके बात नहीं कर सकते, पैसे दे के बात नहीं करा सकते, मैं जो भी कर रहा हूँ इमोशन से कर रहा हूँ, ओके, और मैं अपने लाइफ में भी जो एक्ट करता हूँ अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ, मतलब मैं दूसरा फेस लगा के बात कर ही नहीं सकता, मेरे शिष्यों को पता है, वो मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे फिर भी उनको पता है, और कई बार ये हुआ कि उनको ये लगा कि उनकी साइड ली और उनकी साइड ली, ये सुना है, ये सुना है, लेकिन यहाँ पे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने साइड नहीं ली, अगर मेरे ऑफिस में आप देख रहे हो मेरे बच्चों की तो फोटो नहीं है जो पैदा किए हुए, उन्हीं की फोटो है ना, उन्हीं की यादें लगाई हुई है, समझिए, मुझे भी पता है कितने आदमियों ने मेरे घर में, अपने घर में मेरी फोटो लगाई होगी या अपने ऑफिस में, समझ गए, तो इस मेरे बारे में ये बोलते हैं पार्शियलिटी, लेकिन मेरी पार्शियलिटी है ही नहीं, मेरी पार्शियलिटी है परफॉर्मेंस के साथ, जो परफॉर्म करेगा मैं उसके साथ हूँ, बात समझ गए, इसलिए अगर आप इस बात का मेरे से जवाब मांग रहे हो, मैं हूँ इमोशनल आदमी, मैं जज नहीं कर सकता, तो लेकिन इमोशनल इंसान भी दिल से अपने अंतरात्मा से एक जजमेंट जरूर अच्छा ले पाता है कि इस इंसान से ना दूर रहने की, मैं जजमेंट में होती है जब मैं धोखा खा लेता हूँ बाद में बोलता हूँ, तो ठीक है, एक्सपीरियंस से भी आपको पता होगा कि इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए, मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ, ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, बिकॉज आपके जैसा एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में किसी को नहीं है, चाहे वो दौड़ने का हो या गिरने का हो, दोनों ही तरह के आपने बहुत एक्सपीरियंसेस देखे हैं जैसे आपने भी बताया, तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बिकॉज दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल लर्न कि
आज के डायनेमिक्स में, आज के फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग एनवायरनमेंट में, जहां मुझे लगता है या फिर जनरली इट्स नॉट वर्थ ट्रस्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज हर कोई अपना शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख रहा है, बेनिफिट लॉन्ग टर्म भी नहीं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख के चल रहा है। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो दो तीन चीज़ें क्या परख लेनी चाहिए कि यार डिस्टेंस। अगर पहली तो मैंने ये बोल दिया है कि मैं इसमें 0% हूँ, जिनको मैंने इंटरव्यू दिया जी वो गुड सेंस में ही दिया। मेरा इंटरव्यू कभी भी कहीं भी देख लेना, मैं गुड सेंस में ही देता हूँ। बाद में वो चैनल ड्रग्स में चेंज हो गया, कुछ हो गया, मैं आई डोंट केयर, अंडरस्टैंड, बट दैट हैपेंड लेटर, लेटर वो उसकी कोई बात नहीं। अब आप मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस है 0, ओके, आई एम द मोस्ट हर्ट पर्सन इन दिस इंडस्ट्री। अब मैं इमोशनली ब्लैक, ये वो नहीं खरीद नहीं रहा लोगों को कि मेरे प्रशंसक बढ़ जाए, ना नहीं, मैं सिर्फ अपना बेच के ही दूसरे को खरीदता हूँ। मेरा एक आर्ट है कि मैं अपने आप को सेल करके तभी दूसरे को खरीदता हूँ, और यही मेरी सबसे बुरी आर्ट है, अंडरस्टैंड, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपना बचाव करके तुमको खरीदते हैं। उन लोगों से बच के रहना जो अपना कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते और तुम्हें खरीद लेते हैं। ये एक बिजनेस की आर्ट तो हो सकती है, पर ये शॉर्ट टर्म है, फिर वही वहीं पे आ रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म आर्ट है। लेकिन आप सालों साल किसी को याद करते लो, वो एक अलग आर्ट है कि वो भी अपना इतना एफर्ट लगा रहा है और सामने वाला भी लगा रहा है। आप ये जरूर पहचान करो, क्योंकि अगर आपने जहाँ भी देखो, गाहक बनाना बुरी बात नहीं है, एक कोच 50 लड़के 40 लड़के 30 लड़के निकालेगा, आज वो आपके साथ बैठा है, कल वो किसी के साथ बैठेगा, श्योर है, वो पक्का है। पर ये देखो कि ये कोच मुझे कर क्या रहा है, वो भी तो गूगल पे चेक कर लो। देखो मान लो मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, आप मेरे कोच हैं या आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने आपको एक इंजेक्शन दिया, आपने गूगल पे पढ़ा भी, उसके आफ्टर इफेक्ट भी तो खोलो। आपने सिर्फ आज की बेनिफिट्स देख लिए, ये देखते हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस इंजेक्शन, वो करेगा इंक्रीज मसल साइज, स्ट्रेंथ एंड ऑल एंड दिस एंड वॉल्यूम, और ये आपने नीचे ड्रॉबैक्स भी होते हैं, आपको पता है कपाल भारती के भी ड्रॉबैक है, आप पढ़ो तो सही, अलोम विलोम के भी हैं, पढ़ तो लो। तो ऐसे इंसान से दूर रहना जो हमसे बहुत कुछ चाह रहा है और कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, नहीं है, क्योंकि देखो वो मेरे को ये लगता है मैं इस टाइप का कोच हूँ, अनटिल अनलेस इट्स लाइक अ मदर फीड होता है ना, जो बच्चे को दूध पिलाता है, ऐसा कोच मैं तो ऐसा हूँ। मेरे शिष्य इसमें से थोड़े एग्री होंगे और थोड़े जो एग्री होंगे ना उनको पूरा वो मेरी तय तक गए हुए हैं। तो आपने थोड़े पहले ही कहा था दैट यू आर द मोस्ट हर्ट पर्सन इन दिस इंडस्ट्री, वो है ही होता, हर कोई इंडस्ट्री में होता है। अमिताभ बच्चन भी हर्ट है, जो उस अभी जो लोगों ने कुछ पोस्टर लगा दिए सचिन के घर, वो भी हर्ट होंगे, यार मेरा क्या कसूर है, उधर कुछ रेसलर बैठे हैं, मैं वो क्रिटिसिज्म में नहीं जा रहा, पर दे आर ऑल्सो हर्ट, उधर जो उनके फेडरेशन के होंगे वो भी हर्ट होंगे, पता नहीं क्या है। तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कि द वे टू बिकमिंग अ लेजेंड और अ वेरी सीनियर रेस्पेक्टेबल पर्सन इज थ्रू पेन, क्या ये कहना ठीक है कि यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ पेन टू, देखो अगर आप बिकाऊ हो, खरीदार हैं मार्केट में, कोई भी खरीद लेगा, अगर मैं पैसे के पीछे, ये नहीं कि मैंने पैसा नहीं कमाया, पर मैंने ठीक तरीके से कमाया। आज बहुत सारी कंपनीज आती हैं, बहुत सारी आती हैं कि गुरु जी आप, पर मैं जिसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ हुई, अगर मैं अपनी कंपनी को बोलो जी आप इतने 1.5 लाख दे रहे हो, मैं 3 लाख में जा रहा हूँ, 5 में 10 में जा रहा हूँ, 15 जा रहा हूँ, 20 भी 25 भी है, मुझे ये देखना है कि मैं कहाँ पे हूँ। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आया और मुझे खरीद के ले गया। ओके सही बात है, हाँ मार्केट में बोली लगती है, समझ गए, ठीक है, और बंदों की भी बोली लगती है। अगर आपको कोई भी खरीदार पैसे देके खरीद लेता है तो कहाँ करेक्टर है। गॉट इट। तो आपने बिजनेस की बात की, मैं मेरा अगला सवाल बिजनेस से रिलेटेड ही है। फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को बहुत ही कम लोग एक बिजनेस बना पाए हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस बना पाए हैं। पैशन, हॉबी, वो सब ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में लोग आते शायद उसी नज़रिए से हैं, लेकिन इसको एक अच्छा धंधा बना लेना बहुत कम लोग कर पाए हैं। शायद मुकेश गहलोत जी हैं, संग्राम चौगले हैं, तिंदर सिंह हैं, ऐसे 3-4-5 सुहास खामकर, इन कुछ एक नामों को छोड़ के नॉट मैनी पीपल, जुनैद कलीवाला, नॉट मैनी पीपल हैव मेड दिस अ गुड करियर, गुड प्रोफेशन। आप
ने ऑब्वियसली योर तो आप ऊपर हैं इस चीज़ में, अगर किसी को इसमें अपना नॉट जस्ट हॉबी, नॉट जस्ट पैशन और नॉट जस्ट बेस्ट बॉडी बिल्डर, ठीक है हो गया, वो एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो उसके लिए क्या चीज़ें उसको करनी चाहिए? देखो पहले तो इस बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, किसी के आजकल ये, पहले तो मैं ये बता दूँ, मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, अपनी इंडस्ट्री के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, अगर क्रिकेट से भी ज़्यादा कुछ करते हैं ना तो वो ये लोग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग है, फिटनेस, मैं फिटनेस बोलूँगा, फिटनेस में 60 साल का आदमी भी आ रहा है, बीमार आदमी भी है, उसको भी डॉक्टर बोल रहे हैं, डॉक्टर भी वर्जिश कर रहे हैं, सही बात है। और मैं एक और बात इसमें अभी यहीं पे ऐड कर देना चाहता हूँ, आपके पास दो ही ऑप्शन है, इधर आप 1,000-2,000 रुपये दे के किसी क्लब के जिम के मेंबर बन जाओ, फिट रहो, या फिर 10-12 लाख की सर्जरी के लिए तैयार रहो, यही बोलना चाहता हूँ। अब आपने मेरे से पूछा कि इसमें प्रोफेशनल, मैं पहले तो उनके बचाव की बात करूंगा, आप कुछ भी चीज़ देते हो ना तो उसकी पहले ये बता देते हो कि इसको ऐसे यूज़ नहीं करना, उसमें गिरोगे तो आप बचोगे नहीं। सबसे पहले तो आप इस इंडस्ट्री में आने से पहले आप इसका बेस जरूर पकड़ो, और आप किसी को भी पकड़ के अपना ब्रांड शुरू कर देते हो और किसी को भी ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हो, मैं ये नहीं कहता ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनना चाहिए, बॉडी बिल्डर को पैसे मिलने चाहिए, लेकिन उसका बेस जरूर देखें और वो कहाँ तक आपको लेके जाएगा ये भी जरूर देखें। जैसे एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए आपके एक्सपीरियंस। सपोज मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैंने एक मिस्टर इंडिया या दो कंपटीशन जीत के और सारे यूट्यूब पे इकट्ठे कर लिए बंदे, ऐसी वैसी वीडियो डाल के, और मैं फेमस हो गया, मैं आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊँ तो आपके डब्बे पे क्या असर पड़ेगा? मेरे तो को तो धंधे से मतलब है। आपको धंधे से मतलब है ना, पर धंधा चलेगा तो कितने दिन चलेगा? मैंने सुना है कि ये जो नॉट सो पॉजिटिव, नॉट सो एथिकल यूट्यूबर्स हैं, जब भी कोई स्टोरी डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, ऐसे ब्रांड्स बोलते हैं कि बड़ा अच्छा सेल आती है उस दिन, तो स्पाइक आ जाती है सेल में। देखो बात सुनो, हमारी लाइन क्रिकेट से ज़्यादा चलती है ना, मैं बोल रहा है, ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं ना जी, पर क्रिकेट से ऊपर क्यों नहीं है, क्रिकेट के 25% भी नहीं है भाई। हमारी फेडरेशन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, कारण वाई हम इलीगल है, एनाबॉलिक्स की वजह से। तो इसको बिजनेस, फिर वही घूम के आऊंगा, फिर हम इसको बिजनेस कैसे बनाएं, बिकॉज बिजनेस तो सप्लीमेंट का भी हो सकता है, कपड़ों का भी हो सकता है, कह रहा हूं करो, इक्विपमेंट का भी हो, लेकिन आप एनाबॉलिक ये बीच में मिला दिया तभी तो फाउल हो गया, तभी गवर्नमेंट ने बैन कर दी। हमारी इंडस्ट्री लोकल उस मार्केट में चल रही है और वो थोड़ा एक आदमी लेता है वो, अब देखो आपके मदर फादर 30-40-50 हज़ार रुपये महीना कितने दिन दे देंगे अगर आप मीडियम क्लास हो, ठीक है, फादर की तनख्वाही 40,000 है और आपने 3-4-50 महीने ले लिए उस, और लेने वाला ले गया और उसको सपने दिखा दिए, पर उसके पास तो फीस आ गई, समझ गए ना, वो लेके उड़ा कि तुझे ये बना देंगे, ये बना, शो ऑफ बिजनेस है। लेकिन अब मैं तुम्हें अभी यही बात बता देता हूँ, GSC जैसी कंपनी नहीं रुकी। What do you mean रुकी? क्योंकि उन आजकल जो, मैं अब ये डब्बे वालों को ये नहीं बोल रहा, USA से पहले डब्बे आते थे, इंडिया में बनने शुरू हो गए That's right। और अब हर घर में बन रहे हैं। क्या इंडिया में इतना प्रोसेस है कि आप प्रोटीन उसको सेव कर लें और बना लें? बहुत कम कंपनीज के पास है। That's right। हाँ, काफी कम। आज आप कुछ भी भर के, और हमारे जमाने में चने पीस के और वो डाल के, और गुड़गांव में के पास वो क्या है, महिपालपुर, वहाँ फैक्ट्री लगाई और फ्लेवर भर दिया और बेचते रहे, लड़के लेते रहे कि नए आया था, प्रोटीन था, ये था, वो था। तो आपका बिजनेस चला उनका, उन्होंने कारें भी ऑफर की। अच्छा, आज वो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है आज। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, तब उनके उन्होंने ना फैक्ट्री है, ना कुछ है, ना कुछ है। जो मुझे आज तो 10 लाख रुपए दे रहा है, कल उसका फ्यूचर नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो छोटी से भी छोटी रेस का घोड़ा हो गया, वो तो बिल्कुल ही यही रेस, यही हो रहा है, यही हो रहा है। ओके, अपने आप को बड़ा दिखा के लोन्स लेके, और आप, मैंने एक शो ऑर्गेनाइज कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं सारे कंपनी हर के नहीं बोल रहा, और कल मैं देख रहा हूँ कि मेरा कर्जा ही नहीं उतर रहा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इतने साल दिए हैं, आप आज के टाइम पे आप किस किस तरह का काम कर रहे हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस जो भूपेंद्र धवन जी कर रहे हैं? जैसे हम जानते हैं द्रोणाचार्य जिम की फ्रेंचाइजी है। हाँ जी, कुछ मेरा सप्लीमेंट। अच्छा। के हमने अभी रिसर्च सेंटर भी लगाया। अच्छा, नाइस, R&D। हाँ, रिसर्च सेंटर लगा के और अपने सप्लीमेंट्स भी बना रहे हैं।
वेरी नाइस। हाँ, ये नहीं कि मैं आपके चैनल से ये बोल रहा हूँ कि खरीदो हमारे, नहीं नहीं बिल्कुल खरीदो। हाँ, नहीं नहीं पहले मैं रिसर्च कर लो और खरीदो। हाँ, रिसर्च किया हमने, उसमें अब हेयर ऑयल से लेकर कोई ब्रांड नेम डिसाइड किया है। हाँ, मसल माउंटेन चल रहा है। मसल माउंटेन, मैं गूगल पे यहाँ आने के लिए डाला था मसल माउंटेन। हाँ, तो वो हम उसमें हेयर ऑयल से लेकर और नेल पॉलिश तक और सप्लीमेंट्स तो है और आयुर्वेदिक भी। FMCG बिजनेस। हाँ, बिल्कुल सब कुछ। इक्विपमेंट में भी कुछ कर रहे हैं? इक्विपमेंट अभी नहीं मैंने कर रहा, मैं वो तो फिटलैंड के साथ करता हूँ, तुम्हें पता ही है ज़्यादा मेरा हरमीत इज़ वेरी क्लोज टू मी, सो वो भी अपना ही ब्रांड है, हरमीत बच्चा है अपना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कभी कभी बिकॉज आप कोई बंदों के साथ इतने इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मेरे शिष्यों के साथ, वो भी लाइक है शिष्य है, फैमिली मेम्बर है। एक बार मैं हरमीत को भी ऐड कर चुका हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे मैं फोर्स हो गया अपने शिष्यों के साथ कि हम ब्रांड चेंज करते हैं, एक बार उसको ऐड कर चुका हूँ। अभी मैं बता रहा था अपने बच्चों को कि बॉम्बे से एक लड़का आया, मेरे कज़न को बोला यार तू उनका कैसे जानता है, उसने बोला मेरे गुरुजी भी हैं और बड़े भाई भी हैं, उसने बोला उनको सब लोग फ्री में स्टॉल देते हैं और बुलाते हैं और लोगों को भेजते हैं, लोगों को भेजते हैं, सो दिस इज सच अ रिस्पेक्ट आई एम एबल टू अर्न। इतने सालों में मेरी यही कमाई है कि मैंने ये कमाया। आप पूछते थे ना कि एथिक्स से आपको क्या होता है, एथिक्स से यही मिलता है। बिल्कुल सही बात है। अब संग्राम मुझे घर पे, मैंने बोला संग्राम मैं आ जाऊंगा, बोला नो मैं घर आ रहा हूँ, मैं घर में नहीं, जिम में, कह रहा मैं जिम में आ रहा हूँ, पहला आपको मैं इन्विटेशन दूंगा। तो उसने आते आते लोकेशन डाली, मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ, मैं वीडियो डाली, ये दिस इज समथिंग यू नो यू कैन नॉट बाय। ट्रू, रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट है, यू कैन नॉट बाय। ये लोगों से मिलनी एक बहुत बड़ी, और इन जैसे चैंपियन से जो, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैं दे रहा हूँ आप वितेंद्र पवार हैं, प्रसाद कुमार हैं, आज उनको वो 10-12 साल के मिस इंडिया और एशिया में भी मेडल है, उनको अब आप लोग फॉलो ही नहीं करते। मुझे पता है उस टाइम बॉडी बिल्डिंग एक थी, कितना जितना मुश्किल था, आज तो सब कोई कोई जहाँ जाता है वो मिस्टर एशिया, वो वर्ल्ड है, वो ये right, right. समझ गए, हर हफ्ते ही मिस्टर इंडिया होता है। तो ये जो बॉडी बिल्डर्स हैं, वितेंद्र पवार, ये मनोराइज नहीं रहे कभी, उनकी हिस्ट्री पढ़ो कि उन्होंने कैसे बॉडी बिल्डिंग की बांग्लादेश से आके। वो मेरे घर पे आए थे। अच्छा। हाँ, मैंने चैंपियनशिप कराई थी इंडोर स्टेडियम में, तब कैश प्राइज किसी कोई नहीं कराता था। हाँ जी, ये है 14-15 साल हो गए, और उस टाइम मैंने कैश प्राइज किया था, तब कोई नहीं करता था, तब IBBF एक ही थी। वो मेरे घर रुके, तो मैंने कहा सर मैं अभी आ रहा हूँ, तो उनका अंडे खाने का टाइम हो गया था 95 ईयर्स में, तब वो पैदल चल पड़े। अच्छा। और बाहर की दुकान से जब मैं वापिस आ रहा हूँ, तो मैंने कहा यार ये कहाँ घूम रहे हैं, मैंने कहा सर आप कहाँ घूम रहे हो, कह रहे नहीं मेरा एग्स का टाइम हो गया था। 95 इसी बात पे मैं तलवरकर जी की भी मैं बात बताता हूँ, व्हाई ही इज यंग इन 90s, अभी 90s में पहुँचने वाले हैं। वो हमारे गेस्ट हाउस में रुके रोहिणी में, तो उनको रात को वो एग्स रख दो, वो फ्रिज में लगा के एग्स खाते हैं वाइट। अच्छा। वो खराब ना हो जाए इसलिए उनको वो बोले फ्रिज में रख दो, मेरे को इतने बजे एग्स चाहिए। सो आई मीन ये आपके रोल मॉडल हैं, आप उन बुजुर्गों को देखते ही नहीं। मैं उनको देख के, क्योंकि वो बॉडी इतनी फैंसी नहीं है, वो ग्लैमर स्पोर्ट बन गया है, स्पोर्ट भी नहीं है, और वो हिंदुस्तान के पहले जिम वाले हैं भाई। राइट। उनके पास धर्मेंद्र जी ने भी वर्जिश करी है, सलमान खान भी उनके जिम में गए हैं, तब कोई जिम नहीं होता था, वो उन्हीं का जिम होता था। दैट्स राइट। वो मेरे जिम में भी आए हैं, वो एज ए फादर फिगर हैं, मैं उनकी बात भी करूंगा। ऐसे लोगों को फॉलो करो, और आज के यंगस्टर में ये सारे हैं ही चैंपियन, जैसे अगर जैसे संग्राम भी है, सुभाष कामकर भी है, ये भी बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, और ये पीटर है, और विपिन पीटर, और ये जो बच्चा नया अभी बने हैं शेरू क्लासिक में, किन की बात कर रहे हैं, ये फिटनेस में जुनैद, जुनैद, हाँ जुनैद भी जो है, ये IBBP प्रोज हैं। हाँ, ये सारे अच्छे ही हैं, अच्छे ही होंगे तभी बने हैं ना, है ना। हाँ, ओके। अब मैं अपने शिष्यों का नाम लेंगे तो बोलेंगे अपनों का नाम, अपनों का नाम तो मेरे साथ जुड़ा ही हुआ है, समझ गए ना।
ने ये सवाल मैंने आपसे 4 साल पहले पर मेरे अपनों को भी ये समझना चाहिए, अगर वो किसी गली से गुजरते हैं तो ऐसी गली से तो उनको भी लोग कटाक्ष करेंगे, है ना। मैं अपने शिष्यों को बोल रहा हूँ साफ, अगर वो ऐसी गली से गुजरेंगे तो नेचुरली मैं भी गुजरूंगा तो मुझे भी बोल। अब कोई बात होता है तो मेरा आप ये मत सोचना सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझे पता है आप मेरी अच्छाई कर रहे हो, 99 आदमी मेरी कटाक्ष कर रहे हैं, इस इंटरव्यू पे भी करेंगे, तो इसीलिए दैट विल इंस्पायर मी टू डू और अच्छा। यही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, व्हेन जो मैं उल्टी गालियां नहीं, कोई आपको क्रिटिसाइज करता है और तो मैं उसको स्पिरिट से लेता हूँ। मेरे शिष्यों ने कब तक ले सकते हैं और हर किसी अभी भी मैं क्रिटिसिज्म में चल रहा हूँ, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। मुझे चैलेंज हुआ अपने शिष्यों से, मैं उसमें चल रहा हूँ कि तू हमारे से ही जिंदा है। अच्छा, ओके, दैट्स व्हाई मैं फिर खड़ा हो गया हूँ, अब ओलंपिया फिर तैयार है जाने के लिए। ये अगर वो ये नहीं करते तो मैं घर बैठ जाता, मैं अपने बच्चों के पास रेजिडेंसी लेके वहां रहता, है मेरे वहां स्पेन में, स्पेन या मैं न्यूजीलैंड चला जाता, पर मुझे इंस्पायर किया। हाँ, मैं उस फेस बैड फेस था उससे निकल आया हूँ और अब मैं अब तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे ये बात बताइए कि आप एक इजी लाइफ रह सकते हैं, यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, यू वर्कड हार्ड। मेरी इजी लाइफ यही है कि मैं फाइट करूं। अच्छा। मेरी वाइफ को पता है, ऐसे नहीं आराम से बैठ गए, नहीं नहीं नहीं, न्यूजीलैंड चले गए इतने साल लेके। मेरे गुरुजी क्या बोलते थे, बलदेश्वरी बलदेवराज शर्मा, कि ये जो प्रसाद देके जा रहे हो ना, इसको बांटियो, अपनी जेबों में भर के खुद मत खाता रहिए। आज जो बोलते हैं ना कि तेरे को नॉलेज चाहिए, अच्छा फॉर योर नॉलेज इतने पैसे डाल दो ऑनलाइन, फिर आपको दिया जाएगा, समझिए। मेरा एक शिष्य था नवजिंदर, अच्छा यूएसए में है, लॉकडाउन से पहले मैं उसको कोचिंग दे रहा था, तो वो ऑनलाइन कोचिंग भेजता था, तो उसके पैसे रुके हुए थे। मेरा स्टाफ बोल रहा है गुरुजी, मैंने कहा नहीं यार, नहीं कोई बात नहीं, उसको कोचिंग जरूर भेजो। भेजते रहे, अब वो बेचारा जॉब में भी बच गया, कोई बुरे हालात कैसे थोड़ा सा हो गया होगा भाई, थोड़ा फाइनेंशियली टाइट हो गया। आप मान लो 3 साल बाद फोन आया, गुरुजी नाउ आई एम ऑन ट्रैक और मैं जिम शुरू कर रहा हूँ, आई एम सेंडिंग यू द फीस। नाइस। और उसने मुझे वो जो जिनकी अमिताभ बच्चन ऐड कर दिया ऑनलाइन को, जो क्या बैंक, हाँ वो जो मुथुट फाइनेंस है, उसने मुझे भेजा, बोला मैं उसके थ्रू भेज सकता हूँ, मेरे पास वैसे नहीं है। मैं कहा तू चिंता मत, मैं उसको आपके सामने बात कर रहा हूँ, उसकी एग्जाम्पल सेट करने वाले बच्चे आज भी हैं, आपको सोसाइटी में हर तरह का बच्चा मिलेगा। मैं कोई खाली थोड़ा बैठा रहता हूँ जिम में, मेरे पास भी सब जगह घिस के फिर आते हैं, मेरे पास भी, आप आओगे ना तो मेरे पास भी वो पंचायत के वीडियोस में देखता हूँ, मेरी पंचायत लगी होगी और उनके पास भी पंचायत है, लेकिन थीम का फर्क है। तो मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, दे आर ऑल माय किड्स, इट्स ओके। रियलिटी कभी कभी क्रिटिसिज्म लग सकती है, बट रियलिटी नेचुरल। अगर मैं आज अपने शिष्यों ने बोल रहा हूँ कि मुझे चैलेंज किया तो ये रियलिटी है, yeah. और मैं फाइट कर रहा हूँ तो उनको पता है मैं करता हूँ, ये भी रियलिटी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ और वो सुनेंगे भी, और ये भी है कि और जब उनको बुरा लगेगा तो मेरे पास एक यही प्लेटफॉर्म था कम्युनिकेट करने का। हाँ, मैं डायरेक्टर ही नहीं बोल पाया, ठीक है, जिसको भी कम्युनिकेट कर रहे हो कम्युनिकेट हो जाएगा, नहीं मैं बात कर रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ, और ये नहीं कोई दूर है लेकिन बहुत दूर हो जाते हो। आज मैं एक टॉक भी डालूंगा, हाँ जी, कि आपकी क्यों हुई बात, कोई भी एक वर्ड मैंने आपको बोला वो आपको सालों साल 20-30 साल तक रात को नींद उड़ा देगा, ठीक है, हमें भी बता दीजिए और वो मैं आपको टॉक में बताऊंगा, और आपका व्यवहार एक ऐसा भी है कि वो आप डॉगी को भी गले लगा रहे हैं, समझ गए ना, और जब इंसान कोई बात कर देता है तो आप इंसान से इतना दूर भाग जाते हैं और जानवर को गले लगा देते हैं, विच इज नॉट द राइट, दैट इज वाई बाहर लोनलीनेस है और वो ये सब स्पीशीज को लेना पसंद करते हैं, एटलीस्ट धोखा तो नहीं देंगे, राइट, मैं धोखा वर्ड तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन समटाइम यू चेंज यू कलर खड़े होते हैं ना जब,
वो कहते हैं सक्सेस नहीं छूती, पर ऐसे नहीं है, छूती है, उसके बाद आप अच्छे इंसान बनते हैं, छूती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। वेरी ब्यूटीफुल। पता नहीं मुझे सक्सेस आई नहीं, शायद मैं भी बड़ा आदमी बन जाता अगर आप, मैं रियली आज तक मेरे माँ बाप का, मेरे उस्तादों का यह, मुझे सक्सेस मिली नहीं आज तक, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि एक आदमी तो ताली मार रहा है, 99 तुझे देख रहे हैं पत्थर मारने के लिए। ये बात मे बी दिस इज द हार्श रियलिटी, कहते हैं ना बिटर ट्रूथ, यही बिटर ट्रूथ है, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। तो इस बिटर, ये सारी ही लर्निंग्स हैं एक्चुअली, ये सारे ही, देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फॉर एवरीबॉडी इन दिस। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री रैपिडली इवॉल्व हो रही है, बहुत सारे नए ब्रांड्स आ रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है ऑनलाइन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह हम देखें तो नई ब्रांड्स आ रही हैं, और कोविड के बाद लोगों में अवेयरनेस भी आई है, बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स कि अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने की और हेल्दी रहने की आज के टाइम बहुत आसान है, एज कम्पेयर टू मे बी 5 or 10 or 20 ईयर्स। तो अगर किसी को इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है, नॉट जस्ट एज अ बॉडी बिल्डर बट लॉन्ग टर्म अगर लेके चलना है, यहाँ पे मैं स्टेरॉइड वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, तो व्हाट आर द, क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ आप लोगों को जरूर। मैं अपने उन बच्चों को भी बोल रहा हूँ, मैं, हम किसी के ब्रांड एम्बेसडर थे पहले, उनको भी बोल रहा था कि भारीपन लाओ। अच्छा, वेटेज, वेटेज मीन्स एक तो बेस तो है ही है, उसके बाद बिजनेस की क्वालिटी भी होनी चाहिए। एक बार किसी को फ्रेंचाइजी दे दी, उसके बाद पूछते नहीं। और जब आप सक्सेस हो जाते हो ना, तो लोग आपको बहुत ही नज़दीक से वॉच कर रहे होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं भूपेंद्र धवन हूँ ना, मैं उठ के नाचने लग जाऊँ ना, तो कल शोर मच जाएगा। That's right. और ये वीडियो इतनी हिट हो जाएगी, तुम पागल हो जाओगे। हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी तरह के लोग हैं, पर हम एपिक से ही लोगों को पसंद। हाँ, मैं ये, इसमें मैसेज है मेरे शिष्यों के लिए भी, औरों के लिए भी। इसमें ये नहीं है कि मैं बहुत कवच डाल के बैठा हूँ और मैं गलतियाँ नहीं करता, सबके लिए लेसन है, मेरे लिए भी है, मेरे बच्चों के लिए भी है जो मैंने पैदा किए, और जो मेरे शिष्य हैं उनके लिए भी। आपको क्लोजली वॉच करते हैं, आप सोचते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा, मान लीजिए कल मैं रोज़ जाके बार में बैठ जाऊँ और जिससे मेरे गिलास लाए, 2-4 बॉडी बिल्डर ला रहे हैं कब्जे, ये दिखा के 2 हाथ बियर के इसमें पकड़े इसमें, तो कितनी फेमस हो जाएगा। पर ये नहीं, पीना बुरी बात नहीं है, पार्टी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है हर चीज़ का, समझ गए ना। पर्दे के बाहर तो कुछ भी नहीं है, ब्यूटी इज विद पर्दा, पर्दा खुल गया तो एवरीथिंग इज, कितनी भी ब्यूटी है वो सब एक्सपोज हो जाती है, और ब्यूटी बनती ही रहती है जब आप उसको छुपा के, मतलब कवर करके रखते हैं। सही बात है, दैट इज अ रियल, मुझे ये 2-3 बार देखना पड़ेगा। ये जो लास्ट वाली बात है थोड़ी स्केरी भी है, दैट पीपल आर ऑलवेज वॉचिंग यू। इफ यू हैव डन समथिंग राइट दैट पीपल आर वॉचिंग यू विद व्हाट इंटेंशन, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट थैंक यू सो मच। इफ यू आर राइट देन यू आर अ स्टाइल, इफ यू आर रॉन्ग देन अब अपनी जगह छुपानी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि लोग हमेशा तारीफ ही करते रहेंगे। यकीन मानना, जब भी आप भीड़ में हैं और लोग फोटो खिंचवा रहे हैं ना, तो ये सोचना कि आप एक पैर से कुतुब मीनार पे खड़े हो, एक पैर से। You have to be very sensitive. Yeah. And that place is not permanent. क्योंकि आपको देख के, अगर आप चढ़े हैं ना, आपको देख के पीछे लाइन लगी हुई है, ये बहुत important। और जब आप उतरने की जगह ही नहीं बचती आपके पास, क्योंकि लाइन में सब चढ़े हुए हैं, आपको छलांग ही मार रही है फिर। Thank you so much. I think God bless. Just absolutely phenomenal. So much to learn. Itni intensity, itne नहीं, पर मैं यहाँ पे, I want to present you something. Yes, you are in my office. अरे, thank you. Yeah, बैठ के ताकि आपके कैमरे में आ जाए। Wow. Yeah. ये मैं कह रहा था कि कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि it is for you. Thank you so much. God this bless. Is so amazing. Yeah. Thank you. Thank you. आ रहे हैं ना कैमरे में? Guys, देखा लो। This is so beautiful. ये मैं कहाँ डिजर्व करता हूँ ऐसे अभी, दिस इज टू अर्ली फॉर मी। कभी कभी ना आप जैसे लोग, मैं भी ऐसा ही हूँ, मुझे भी ऐसे लगता है यार मैं चीफ गेस्ट डिजर्व नहीं करता, मुझे संग्राम क्यों लेने आए, और उसको लगता है कि मैं हूँ, समझ गए। मुझे लगता है कि आपको अगर मैं दूंगा, आप और अच्छा काम करेंगे इंडस्ट्री के लिए, ये एब्सोल्युटली करते रहेंगे, यही मोटिवेशन है, यही है। आपको कोई वो थोड़ी है, मैं तो ये आपको बस ब्लेसिंग कर रहा हूँ। थैंक यू विद माई टीम। आ जाओ भाई, let's have a picture.